नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में कार्यकाल पूरा करने वाले 60 सांसदों को विदाई। सभापति ने लोकतंत्र में सांसदों के योगदान को बताया अहम। प्रधानमंत्री, नेता सदन और नेता विपक्ष ने दी शुभकामनाएं। सेवानिवृत्त सदस्यों ने अनुभव किए साझा। रिटायर होने जा रहे उपसभापति पीजे कुरियन ने सदन में जारी गतिरोध पर जताई चिंता। गिरती मर्यादा पर दोनों पक्षों को ध्यान देने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने गतिरोध से अहम मसलों पर सदस्यों की भागीदारी प्रभावित होने की बात कही। गुलाम नबी आजाद ने कहा, सांसदों से लोकतंत्र है जिंदा। राज्यसभा कार्यवाही संचालन से जुड़े नियमों की होगी समीक्षा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन को दी जानकारी। सामान्य चर्चा से पहले नियम समिति के समक्ष पेश होगा मसौदा। राज्यसभा में कार्यकाल पूरा कर रहे सांसदों को विदाई के मौके पर भावुक क्षण देखने को मिले। सभी ने दलगत राजनीति से परे उच्च सदन की गरिमा को बनाए रखने की बात कही। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्यकाल पूरा कर रहे सांसदों के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना कि उच्च सदन ने नीति निर्धारण में अहम योगदान दिया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्यकाल पूरा कर रहे 17 राज्यों के 60 सांसदों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि सांसद सदस्यता से निवृत्त होकर भी सार्वजनिक जीवन में योगदान देते रहेंगे। उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति प्रोफेसर पीजे कुरियन की योगदान को खास तौर पर सराहा। सभापति ने महिला सदस्यों के योगदान की खास तारीफ की और कहा कि राजनीतिक दल महिलाओं को वाजिब प्रतिनिधित्व देने पर ध्यान दें। While expressing my heartfelt appreciation for the valuable contribution and services rendered by our women members, I hope that all political parties would appreciate that providing adequate representation to women in parliament and state legislature has to be accorded priority. For those members who would be leaving us, I would like to mention that this retirement from Rajya Sabha should be viewed as an opportunity to promote the welfare of the people and not as a retirement from public life. You are only getting retired, but not tired. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति निर्धारण में उच्च सदन के योगदान को ऐतिहासिक माना। उन्होंने कहा कि सांसद सदन के अनुभवों के आधार पर समाज में अधिक योगदान देंगे। ट्रिपल तलाक जैसे महत्वपूर्ण निर्णय जो हिंदुस्तान के आने वाले इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं, उसका निर्णय करने की प्रक्रिया से आप वंचित रह गए। जो वापिस आए हैं उनको तो सौभाग्य मिलेगा, लेकिन जो जा रहे हैं उनको शायद इस ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैसले से वंचित रहना पड़ा। उसका भी कुछ न कुछ तो मन में कसक, आज नहीं तो 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद मैं फिर एक बार, जो सभी माननीय आदरणीय सदस्यगण जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। कार्यकाल पूरा कर रहे उपसभापति प्रोफेसर पीजे कुरियन ने सभापति के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि पहले विपक्ष को विरोध करना होता था तो सदन से बाहर चला जाता था, आज सदस्य वेल में आ जाते हैं। उन्होंने सांसद, सरकार और विपक्ष से इस पर आत्ममंथन करने को कहा। सो इट इज नॉट, आई डोंट वांट टू ब्लेम एनी ऑफ द साइड, वी आर ऑल इक्वली रिस्पांसिबल, दिस साइड एंड दैट साइड, every member is equally responsible. Honorable chairman's indignation is justified, rightly justified. My only appeal is, yes, we should let us think about it. Let us come together, rack our brain, find out a solution so that the level of the parliament, level of the Rajya Sabha is not degenerated to the extent we see today. नेता सदन अरुण जेटली ने भी कार्यकाल पूरी कर रहे सदस्यों को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सदस्यों का एक दूसरे के लिए सम्मान ही इस सदन की सबसे बड़ी ताकत है। सर, ड्यूरिंग आवर मेंबरशिप वी डेवलप ग्रेट रिलेशनशिप्स विद ईच अदर एंड वन ऑफ द ग्रेट स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस हाउस इज दैट वी लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन एंड दैट इज व्हाई डिस्पाइट all the emphasis on the noise and the disturbance that has been pointed out, the greatness of this house is that work still goes on and eventually it is able to
accomplish a very large part of the work itself. विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने साथी सांसदों के कामकाज की सराहना की। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए सदन का चलना बहुत जरूरी है। नेता विपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र को जन प्रतिनिधियों ने जिंदा रखा है। आज हम विपक्ष में हैं, आवाज उठाते, ये शायद टेलीविजन पे खराब लगता हो, बहुत सारे लोगों को, देखने वालों को खराब लगता हो, लेकिन शायद देश को मैं इस सदन के द्वारा पूरे पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से ये बताना चाहता हूं कि इस देश में अगर लोकतंत्र को किसी ने जिंदा रखा है तो पार्लियामेंटेरियन और लेजिस्लेचर्स ने जिंदा रखा है। लंबे गतिरोध के बाद सदन सांसदों के विदाई के मामले पर चला तो दलगत राजनीति से परे हटकर बहुत से मुद्दे उठे। सभी दिग्गजों ने यह माना कि उच्च सदन की गरिमा बनाए रखना सबकी साझा जिम्मेदारी है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सदन में जारी गतिरोध पर चिंता जताते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू काफी भावुक हो गए। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में ऊपरी सदन में चर्चा का स्तर बढ़ेगा। I would like to see a more constructive engagement with public issues in the future and a behavior that befits the dignity and the stature that people of this great country have bestowed upon us. Let us not further erode the quality of our polity. Let us leave a legacy of powerful ideas. We are supposed to be models for others. We are the upper house. The entire country, from schools to municipal bodies to local bodies to legislatures, they'll be looking to us for guidance, and we have enough merit here. इस मौके पर अलग अलग दलों के सांसदों ने भी अपनी राय रखी। इतने बड़े नाम हैं, इतने बड़े लोग रिटायर होके जा रहे हैं यहाँ से और वापस अभी नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये कामना करूँगा कि वे जिस राजनीतिक दल में भी रहें, निष्ठा के साथ रहें। I thank Honorable Amma. He advised me that this is the august body. You can learn many, many more things. We may be political rivals, but we are not political enemies. And one person who's made a great contribution in this house in so many ways is Tapon Sen of the CPIM. Personally, for me, it's been a great learning curve coming here after doing politics for 30, 40 years. खास तौर से मैं कुरियन साहब के बारे में कहना चाहूँगा। सर, उनसे मैंने निजी जीवन में बहुत सीखा, अत्यंत विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों में कैसे सदन को चलाया जा सकता है, समयबद्ध तरीके से चलाया जा सकता है, ये सब हम लोगों ने उनसे सीखा। ओय பெறக்கூடியவர்களில் எங்கள் கட்சியிலிருந்து இரண்டு தோழர்கள் ஓய்வு பெறுகிறார்கள், தப்பன்சன், சிபி நாராயணன். தப்பன்சனை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், அவர் எந்த அளவுக்கு இதில் பங்கு பெற வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார், அந்த அளவுக்கு பங்கு பெற்றிருக்கிறார். தி மெம்பர்ஸ் who are going to exit are going to have a lot of freedom and free time to serve the people of this great nation. ऐसा सदन है जहां पर कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको कहते हैं कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आके, और इसमें जो लोग चुन करके आते हैं वो अपनी पार्टी या पार्टियों के समूह के संख्या बल से चुन करके आते हैं और फिर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वी ऑल हैव आवर मोमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड वी फाइंड मेनी ऑफ आवर पास्ट कलीग्स इन स्टेट लेजिस्लेचर्स, इन गवर्नमेंट्स, इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड सो ऑन। सो आई थिंक नोबडी विल रिटायर। ऑल द मेंबर्स हु आर रिटायरिंग एंड हु विल बी लीविंग अस, बट ऑफ कोर्स एज यू राइटली सेड एंड एवरी ऑल अदर्स हियर हैव मेंशन दैट आई एम श्योर वी विल बी एबल टू सी देम इन पब्लिक लाइफ इन डिफरेंट रोल्स। राजनीति एक चढ़ते हुए सूरज की तरह होती है, कभी ढल भी जाता है और ढलने वाला चढ़ भी जाता है, हमने देखा। हमारी कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि वो कोई लोकसभा में आए, कोई असेंबली में आए और कोई और कहीं अच्छी जगह पर आए, ये हमारी सब की कामना है। या कार्ड आउट फॉर सच ए सोशल सर्विस एंड पब्लिक सर्विस, I think you will have best of the time. During my 6 years, I have learnt a lot about the working of the parliament. कि जो भी retire हुए यहाँ से, जो कोई भी MP retire हुआ, मैं उसको दावत देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर state में आइए और ताकि मैं वहाँ पर खड़ा रहूँगा और उनकी सेवा कर दूँगा।
See, I am proud to be here in this house, this august house. Really, this house is a mini India. It has also become a pattern of the whole politics and policies that sometimes the most efficient grill cannot pierce in the sensitivity of the governance, and so sometimes it becomes a system. मैं समझता हूँ अगर चर्चा हो जाए, मैं सुझाव के रूप में कह रहा हूँ, तो हमें तो अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा. विपक्ष के पास और कुछ है क्या सिवाय इसके कि हम पर जो जनता की समस्याएं हों, देश की समस्याएं हों, उसे हम बोल दें. मुझे जीवन में संतोष है कि अच्छे विचारों के लिए अच्छे दल में अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम करते करते मेरा जीवन अच्छे से बीता, इसका मुझे समाधान है. मैंने एक चीज़ सीखी इसमें कि राजनीति में कटुता और व्यक्तिगत शत्रुता का कोई स्थान नहीं. मुझे लगता है यही सबक हमें लेना चाहिए कि पर्सनल अटैक और कैरेक्टर असैसिनेशन, ये दो से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है. हम लोग यहाँ राजनीति करने आए हैं, एक दूसरे के दुश्मनी, एक दूसरे को दुश्मनी करने नहीं आए हैं. देश का सामने जो बहुत बड़ा बड़ा समस्या है, आगे दिनों में ये संसद में इसका चर्चा होगा, इसलिए देश का जनता का पास एक बहुत वार्ता जाएगा. इट शैल ऑलवेज हैव द रियल फेडरल अप्रोच टुवर्ड्स इट्स डिबेट. क्या विश्व एक मार्केट ही रहे या विश्व एक परिवार बने? अगर ये परिवार बनना है तो मैं इस सदन की गरिमा इतनी बढ़ाए कि ये सदन केवल 130 करोड़ जनता का सदन न रहकर सारी दुनिया के 650 करोड़ जनता को दिशा निर्देश देने का घर बने. आई वॉन्ट दैट एवरीबडी शुड स्पीक हियर, दिस इज मेन फॉर दैट. ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच एम्फेटिक टू से दैट वी वॉन्ट वाटर इन द रिवर. फॉर गेटिंग वाटर इन द रिवर यू शुड नॉट गो टू द वेल. आज भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज किसान आपकी तरफ देख रहा है, आप किसान की मदद की दिशा में आप कुछ सोचे. पार्लियामेंट के नियमों की जानकारी नए लोगों को कराना, छोटे छोटे चीज के बारे में बताना, ये भी एक अपने आप में एक नया अनुभव था. टेलीविजन में देखते हैं तो पता नहीं लगता ये अधिकारी है या कोई और है. सेंस ऑफ ह्यूमर आई थिंक शुड बी बिल्ट अप अगेन सो दैट देयर इज मोर बॉनहोमी अमंग द विद इन द हाउस एंड वी आर एज एज मच यू नो कंपोज्ड एंड काम हियर एज इन द सेंट्रल हाउस. एंड द लॉट ऑफ वुमेन हैजंट इंप्रूव्ड ट्रेमेंडसली. It's a pathetic 11% right, even now. I'm not fighting as a feminist. Yeah, yeah. But I really think we need more women. Kisi ko giraya, na kisi ko giraya, na khud ko uchhala, kata zindagi ka safar dheere dheere. Jahan pahunche aap log, aap ne jo hamare bhai log hai wo, jahan pahunche aap log, chhalange laga ke, wahan pahunche hum bhi, magar dheere dheere, magar dheere dheere. Main yahan ka anubhav, aur yahan jo pai gayi, jo yahan ki shiksha hai, ये मेरे आने वाले आगामी राजनीतिक जीवन में निश्चित तौर पर मुझे एक पथ प्रदर्शक का काम करेगी. ड्यूरिंग लास्ट 3 years आई सॉ रियलिटी ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम विच बेसिकली नॉट फॉर कॉमन पीपल रादर फॉर द पीपल हैविंग पावर एंड मनी. मैं अपने आप को देश सेवा में ही लगाऊं, किसी तरह से अपनी सेवा या अपनी आर्थिक स्थिति या अपना खुद का पोजीशन बनाने में न लगा के देश सेवा में लगाऊं, यही मेरा सारे सदस्य. डेमोक्रेसी रन्स ऑन द बेसिस ऑफ अ ह्यूमन रिलेशनशिप, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. एंड इन अ डेमोक्रेसी एंड इन पार्लियामेंट स्पेशली द गवर्नमेंट शुड हैव इट्स वे बट अपोजिशन मस्ट हैव इट्स से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेजिस्लेशन कभी भी हेस्ट में पास नहीं होना चाहिए, इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए. और अच्छे क्योंकि ये हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहलाता है, तो यहाँ जैसे जैसे हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल्स लोग यहाँ से आए हैं और उनसे हमने लेजिस्लेटिव प्रोसेस में जो चेंजेस लाए हैं, इसके तरफ भी हमको गौर करने की ज़रूरत है. कि वो दिन कब आएगा जब हम सब दिल और दिमाग को मिलाकर बोलेंगे और ये कहेंगे कि जो भी बोल रहे हैं हम ठीक बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं और सच्चाई भी चलें. सदन में अवरोधों को दूर करने और बेहतर संचालन के इरादे से राज्यसभा के नियमों की समीक्षा होगी. सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज सदन में इसकी जानकारी दी. सभापति ने बताया कि उन्होंने राज्यसभा के मौजूदा नियमों की समीक्षा का फैसला किया है और इस बाबत मसौदा नियम समिति के सामने रखा जाएगा और इस पर आगे सामान्य चर्चा होगी.
संविधान में संसद के दोनों सदनों को नियम और प्रक्रिया तय करने की शक्तियां दी गई हैं। राज्यसभा ने इसी के तहत अपने नियम बनाए हैं जो 1 जुलाई 1964 से लागू हुए। रूल्स बहुत पहले बने हुए हैं, रूल्स को बदलाने की तरफ, जैसा कि अब यहाँ कहा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन में कभी एडजर्नमेंट नहीं हुआ, डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ, तो क्यों हमारी पार्लियामेंट में डिस्ट्रप्शन होता है? इसके तरफ आने वाले दिनों में राज्यसभा को इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू हैव अ रिव्यू ऑफ द रूल्स ऑफ राज्यसभा एंड वंस द ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड देन इट विल बी डिस्कस्ड इन द रूल्स कमिटी एंड देन फाइनली आफ्टर जनरल डिस्कशन देन वी विल मूव इन द डायरेक्शन व्हाट रहमान कांजी हैज मेंशन्ड। और रिटायर हो रहे सांसदों की फेयरवेल स्पीच के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो उपसभापति पीजे कुरियन ने कामकाज को आगे बढ़ाते हुए अल्पकालिक चर्चा शुरू करनी चाहिए जो कुछ बैंकों में कथित घोटालों और उनके रोकने में बैंकिंग नियामकों की विफलता के मसले पर प्रस्तावित थी। इस पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने उपसभापति के समक्ष उनके और नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की तरफ से दिए गए नोटिस को स्वीकार नहीं किए जाने का विरोध जताया। There is an agreement reached with the chairman or with the deputy chair and between the government and the opposition that this discussion will be under this rule. I seek protection, sir, of my rights as a member under the rule book. वहीं उपसभापति ने आनंद शर्मा को इस मामले को सभापति के सामने उठाने को कहा। यू कैन अप्रोच द ऑनरेबल चेयरमैन, आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई टू दैट बिकॉज आई कैन ओनली गो बाय व्हाट इज इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस व्हिच इज अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल चेयरमैन, आई हैव टू गो बाय दैट। जब मैं आपको मिलता हूं तो आप कहते हैं हम सदन को चलाना चाहते हैं, आप कहते हैं हम सदन को चलाना चाहते हैं, हम चर्चा चाहते हैं, और जब सदन चल सकता है तब आप उसके ऊपर व्यवधान देते हैं। और गतिरोध नहीं थमा और उपसभापति ने सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।